दुर्ग के इंदिरा मार्केट व हट्री बाजार में सड़क बाधित कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को समझाइश दी गई और ऐसा दोबारा करते पाए जाने पर दुकानदारों के सामानों की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही गई। दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर दुर्ग शहर के हृदय स्थल इंदिरा मार्केट क्षेत्र हटरी बाजार में सड़क बाधित कर कारोबार करने वाले व्यवसायियों को अपना अतिक्रमण हटाने कहा गया है। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता व उड़न दस्ता ने क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने सोमवार को शहर के इंदिरा मार्केट क्षेत्र में घूमकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिन दुकानदारों और ठेला खोमचा वालों पर कारोबार करने के नाम पर सड़क बाधित किया गया है, उन्हें अपना सड़क पर रखे सामानों को हटवाने कहा गया और इंदिरा मार्केट स्टेशन रोड क्षेत्र में कारोबार करने वाले कई व्यवसायी अपने दुकानों के सामने सड़क तक सामान फैलाकर रखे हुए थे। वहीं सड़क पर ठेला व खोमचा लगाकर भी कारोबार किया जा रहा था। क्षेत्र में आवागमन व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए आयुक्त के सख्त निर्देश पर अतिक्रमण व उड़न दस्ता टीम ने इंदिरा मार्केट से हटरी बाजार जाने वाले मुख्य मार्ग पर कार्रवाई की और सड़क मार्ग को बाधित कर व्यवसाय करने वालों को हटवाया। सड़क मार्ग पर अपने सामान को दोबारा न रखने की चेतावनी भी दी गई। अगर व्यापारियों द्वारा अपने अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो चालानी कार्रवाई कर दंडित करने की भी बातें कही गई। इस दौरान अतिक्रमण प्रभारी दुर्गेश गुप्ता, उड़न दस्ता प्रभारी शिव शर्मा, प्रभारी थान सिंह यादव, सहायक प्रभारी ईश्वर वर्मा, भुवान लाल साहू, शशिकांत यादव समेत निगम के अतिक्रमण टीम मौजूद थी। इस संबंध में न्यूज टीम को उड़न दस्ता प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मार्केट की बहुत बिगड़ी हुई है और लगातार प्रेस में ये मामला उठ रहा है। इसी संबंध में हमारे आयुक्त महोदय हरीश मंडावी जी के आदेशानुसार हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। शनिवार को भी हमने पटेल चौक से फरिश्ता कॉलेज तक कार्रवाई की है। उसमें एक सीढ़ी जो रोड में निकाल गई थी उसके संबंध में हमने भवन अधिकारी जो हैं जिसके अंतर्गत ये आता है उनको हमने जानकारी दी है और आज हम इंदिरा मार्केट के अंदर ये कार्रवाई किए हैं। जो अपने दुकान के सामने सामान निकाल देते हैं उनको अंदर करवाया गया, हटवाया गया। चलानी कार्रवाई अभी तो नहीं की गई है, अभी सिर्फ हटाने की कार्रवाई की गई है। आपका वेसल बहुत अच्छी है लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कार्रवाई लगातार चले और मैं आयुक्त महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो यातायात पुलिस को भी एक पत्र लिखें कि वो हमारा सहयोग करें, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने की कार्रवाई एक्चुअल में मेरे हिसाब से यातायात पुलिस के अंतर्गत ही आती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।